बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस। खुशकिस्मती से हमारे शरीर लड़ने के लिए बने हैं और पैथोजेन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी रक्षा प्रणालियां हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही प्रणालियों के बारे में जानेंगे जो बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। आइए शुरू करते हैं शरीर के सबसे बड़े अंग से। आपके अनुसार शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लिवर, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय या त्वचा? वीडियो को रोकिए और सोचिए। हमारा सबसे बड़ा अंग है हमारी त्वचा यानी स्किन। स्किन पूरे शरीर को कवर करती है और हमारे भीतरी अंगों को बचाती है शारीरिक नुकसान से, रोगाणुओं के संक्रमण से और डिहाइड्रेशन से। स्किन एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है और रोगाणुओं के लिए इसे पार करना बहुत कठिन है। इसके अलावा हमारे स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स एसिड सिक्रीट करते हैं जो स्किन को एसिडिक बना देते हैं, जिससे पैथोजेंस की ग्रोथ में अवरोध पैदा होता है। लेकिन उन पैथोजेंस के बारे में क्या जो नाक, मुंह और आंखों से शरीर में प्रवेश करते हैं? आंसुओं, म्यूकस और लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि कई बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रक्षा की बहुत सारी स्टेजेस हैं। सबसे पहले नाक के अंदर मौजूद बाल धूल और बड़े जीवों को बाहर रखते हैं। छोटे जीवाणुओं के लिए नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होता है, जिसमें ये फंस जाते हैं और गंदे म्यूकस को हटाने के लिए छोटे छोटे बाल सीलिया होते हैं। अगर आप गिर जाएं और आपको कट लग जाए तो क्या होगा? हमारे रक्त में घावों को संक्रमित होने से रोकने के लिए अपनी खुद की रक्षा प्रणाली है। रक्त में प्लेटलेट्स और फाइब्रिन होते हैं जो रक्त को घाव की जगह पर क्लॉट कर देते हैं। जब इन पैथोजेंस को हम भोजन और ड्रिंक के साथ निगल जाते हैं तो उनको हमारे पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड नष्ट कर देता है। हमारी रक्षा प्रणाली यही नहीं रुकती, हमारी आंतों में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। अगर पैथोजेंस हमारे शरीर के फिजिकल बैरियर्स को पार कर जाते हैं, जिसे जनरल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, तब हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सक्रिय हो जाती है और ये बहुत असरदार है। इसमें शामिल है व्हाइट ब्लड सेल्स। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें न्यूट्रोफिल कहते हैं, पैथोजेंस को खोज कर मार देती हैं और निगल जाती हैं। दूसरी तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं जो पर्टिकुलर पैथोजेन को नष्ट कर देती हैं। तो ये था हमारा डिफेंस सिस्टम। ये हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखता है और अगर ये फेल हो जाए तो हम दवाओं का सहारा ले सकते हैं।